हैं, मैं डॉक्टर रजनीश आज आप लोगों को ओपन पोर्स के बारे में बताएंगे। तो ओपन पोर्स का मतलब हुआ कि चेहरे पर जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं उसी को पोर्स कहते हैं। ये पोर्स का काम क्या है, ऑक्सीजन को बनाए रखना और स्किन में से जो टॉक्सिन जो सब्सटेंस है उसको बाहर निकालना और चेहरे पर ग्लो को बनाए हुए रखना। तो ये उम्र के साथ समस्या बढ़ जाती है, बच्चों को तो कम, बड़ों को धीरे धीरे ये ज़्यादा हो जाता दिखलाई देते हैं। तो ये पोर्स जो होता है तो हर एक व्यक्ति के तो चेहरे पर होते हैं छोटे छोटे पोर्स हैं, लेकिन किसी किसी को ये पोर्स बड़ा बड़े दिखलाई देते हैं और बहुत ख़राब लगता है। तो इन पोरों को कैसे भरा जाए इसका होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे, किस कारण से होता है वो भी बताएंगे। ऐसे इसका कोई सिम्टम नहीं है, बस इसका साइन ही पोर्स में दिखलाई ही देगा कि गड्ढे जो है फेस पे बहुत ज़्यादा दिखलाई दे रहे हैं, इसको हम कैसे भरें। इसका होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छा एंड कारगर दवा है। तो पहला चीज़ है तनाव में अगर हैं उससे भी है, चेहरा को बढ़िया से ठीक ढंग से देखभाल नहीं कर रहे हैं वो भी कारण है। तीसरा चीज़ है कि वाइली फेस है वो भी कारण है। चौथा चीज़ है कि स्ट्रेस भी होता है, किसी में स्ट्रेस अगर है उससे भी चेहरे में गड्ढे गड्ढे दिखाई देते हैं। जैसे आप संतरा देखे हैं तो संतरा के छिलके जैसे गड्ढे गड्ढे दिखा, उस चीज तरह का चेहरा दिखलाई देने लगता है तो बहुत ही खराब लगता है। तो इसका होम्योपैथिक मेडिसिन भी हम आप लोगों को बताएंगे, जो बहुत ही बस एक होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे और बहुत ही कारगर है ओपन पोर्स में, चेहरे के जो गड्ढे हैं छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे हैं तो ठीक है वो हर एक व्यक्ति होता है, ज़्यादा जब छोटा छोटा गड्ढा हो जाता है तो इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन एक बताने जा रहे हैं वो बहुत ही लाभदायक है। उस होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम है साइलिसिया। आप बाजार से जाएं और साइलिसिया बस 30 पावर में ले लें, दो बूंद सुबह, दो बूंद दोपहर, दो बूंद शाम, या 200 पावर में ले लें सुबह शाम चार चार बूंद। उसके साथ होम्योपैथिक में क्रीम आता है जो बहुत ही बेहतर क्रीम है। जैसे क्रीम तो बहुत सारे बेहतर हैं लेकिन माई पॉइंट ऑफ व्यू जैसे मार्क्स ग्रो आता है हिपिटको कंपनी का, बहुत ही अच्छा काम करता है। आपको हम अपना वीडियो में वो हम स्किन पर लगा देंगे उसका पिक्चर, जो क्रीम है और जो दवा है। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना।